एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए आपको हमेशा अपने आपको याद दिलाना पड़ेगा कि या देर इज समथिंग टू लर्न इन इट. दिस इज वाई कंपनीज पे फॉर एक्सपीरियंस. अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको कंपनी ज़्यादा पे करती है, बिकॉज यू नो हाउ टू फाइंड बग्स, यू नो क्या क्या प्रोसीजर्स, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे बग्स आ सकते हैं. ठीक है, इफ़ यू आर अ गुड प्रोग्रामर यू विल हैव टू आस्क योर सेल्फ कि हाउ कैन आई मेक दिस कोड बेटर. Hi everyone, Naman this side. I'm currently a fourth year student and I'll soon join Microsoft as an SDE. So today's topic is a bit interesting and important for not just software engineers but also the interns, job intern pe jayenge ya fir college student first year second year jo bhi CSE ya fir electronics ya fir coding mein interest rakhte hain sabke liye kafi zyada important hai. So today we're going to talk about skill improvement. Skill improvement is a continuous process, right? Skills agar aapki achhi hongi, you're gonna get a better job. Aapko ek sense of satisfaction hoga, ek achhi job hogi to. To skill improvement ke hum aaj iske upar baat karenge. Theek hai? To bahut basic se point hai jo hum hamesha dhyan rakhte hain. Theek hai? To chalu karte hain with the first point. The first point is remember yourself how much you have to learn. Theek hai? हमेशा खुद को याद दिलाते रहो कि आपको कितना पढ़ना है, आपको कितना नहीं आता है और कितना आपका पार्ट बचा है पढ़ने के लिए, राइट. हर चीज़ को स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप होता है, द फर्स्ट स्टेप इज लर्निंग समथिंग, है ना. रिकग्नाइज करना पड़ता है कि हमें ये चीज़ नहीं आता, देन ओनली वी हैव अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स अ थिंग. ठीक है, तो सबसे पहले ये रिकग्नाइज करना है कि हमारे को ये चीज़ नहीं आती है, तो ही हमारा उसकी तरफ लर्निंग का एटीट्यूड बनेगा. ठीक है, दिस इज़ वॉट ऑल एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स डू. उनको पता होता है कि कितना टाइम लगता है, एक पर्सनल अजम्पशन जो हम लेके चलते हैं कि हमारा अच्छा हमने ये अजम्पशन लेके चल रही है तो हमारे को कितना टाइम लगता है वो बग को फाइंड करने में, राइट. दिस इज़ वॉट एक्सपीरियंस प्रोग्रामर डू. ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए आपको हमेशा अपने आपको याद दिलाना पड़ेगा कि या देर इज़ समथिंग टू लर्न इन इट, है ना. बहुत टाइम लगता है लर्न करने में और अपने अजम्पशंस को ओवरकम करने में. दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लर्निंग करना पड़ेगा, एक कर्व पे चलना पड़ेगा. पता है कुछ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है, अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे तो ये आपकी लर्निंग को हिंडर करेगा. यू कैन नॉट लर्न इन दिस वे. तो कभी भी ये एटीट्यूड मत रखो, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह कीप अ गुड एटीट्यूड, अच्छे से करते रहो एंड यू विल गेट इट, राइट. सेकेंड इज स्टॉप ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ, राइट. ठीक है, एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए, टू बिकम अ ग्रेट प्रोग्रामर, आपको एक्सपीरियंस लर्न करना पड़ेगा. दिस इज़ वाई कंपनीज पे फॉर एक्सपीरियंस. अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको कंपनी ज़्यादा पे करती है, बिकॉज यू नो हाउ टू फाइंड बग्स, यू नो क्या क्या प्रोसीजर्स, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे बग्स आ सकते हैं. ठीक है, जिस भी चीज़ को आप देखो ना, आप हमेशा खुद से ये पूछो कि हाउ कैन आई मेक दिस थिंग बेटर. जैसे आपका एक कोड का स्निपेट है विच इज़ नॉट वर्किंग फाइन, इफ़ यू आर अ गुड प्रोग्रामर यू विल हैव टू आस्क योरसेल्फ कि हाउ कैन आई मेक दिस कोड बेटर. जैसे होता है ना कि हम कुछ लाइन, कुछ जो कोड लिखना चाहते हैं, हम एक तो 10 लाइन का कोड लिखते हैं बट वही कोड को हम एक सिंगल लाइन में से रिप्लेस कर सकते हैं. तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए हाउ कैन आई मेक दिस थिंग बेटर, राइट. अच्छी प्रोग्रामर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो कोड लिखते टाइम दे राइट यूनिट टेस्ट यूज़ करते हैं टू प्रूव दैट देयर कोड इज़ वर्किंग इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक इट फेल, है ना. हमेशा यूनिट टेस्ट लिखते हैं जिससे हमें असर्टेन हो जाए कि हमारा कोड काम कर रहा है. ठीक है, एक अच्छा एक्टिव प्रोग्रामर होता है ना, दे ट्राई टू लुक एट प्लेसेज वेयर दे कैन गो रॉन्ग. ठीक है, बिकॉज दे इवेंचुअली नो कि the end users, the users who are gonna use it, they're gonna find the bugs, है ना. तो हमेशा एक great programmer होता है, he tries to look at wrong places कि कहाँ पर आपका code wrong हो सकता है. तो try to be an active programmer and ये देखो कि आपका code कहाँ गलत हो रहा है. Stop trying to prove yourself right. ठीक है, हमेशा खुद को सही मत समझो. Try to prove yourself wrong that आप उस जगह गलत हो सकते हो, तो उस जगह आपका focus जाना चाहिए. तो ऐसे सोचना है. Third thing, हमेशा कोड को एक बार नहीं लिखता, राइट एट टू और थ्री टाइम्स. ठीक है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं ना, हम कोड को लिख देते हैं, अगर वो काम करे तो हम आगे चल जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को दो टास्क दिए तो
तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा पहला टास्क हो गया, चलो डन, वी डोंट लुक एट इट, हम दूसरे पे चल जाते हैं. बट ये हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है. सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सोल्यूशन लिखना है. द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट टाइम यू विल राइट अ कोड, अ सूडो कोड, इज टू प्रूव योर सेल्फ राइट दैट देर इज अ सोल्यूशन दैट एग्जिस्ट, कि एक सोल्यूशन पॉसिबल है, ऐसे कोड करना है. सेकेंड, यू विल हैव टू मेक इट वर्क, आप उसके ऊपर काम करो. थर्ड टाइम इज द बिट मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार आपने इसे सोल्यूशन प्रपोज किया विच वॉज अ सूडो कोड, सेकेंड टाइम आपने कोड लिखा. थर्ड, यू हैव टू मेक अ गुड कोड, यू हैव टू मेक अ राइट कोड, एक अच्छा कोड बनाना है. तो सिंगल कोड में अगर आपका कोड चल जाता है, दैट इज नॉट एफिशिएंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो ये कभी नहीं करना है, ठीक है. तो एक अच्छा कोड लिखो, ट्राई टू राइट अ अपीलिंग कोड, है ना. खुद को ही नहीं अच्छा लगना चाहिए कोड, इट शुड बी अ रीडेबल कोड, कि अगर कोई अननोन यूजर या फिर कोई और टीम मेंबर अगर एक बार आपका कोड पढ़े तो उसका समझ आ जाए, ठीक है. ट्राई टू राइट अ ब्यूटिफुल कोड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन. फॉर दोज हु आर गोना सेट फॉर इंटरव्यूज, यू शुड राइट अ कोड इन सच अ वे दैट कि आपके इंटरव्यूअर को इंस्टेंटली समझ में आ जाए. ट्राई टू राइट अ कोड इन पॉइंट्स एंड अ क्रिस्प कोड, ठीक. क्रिस्प कोड लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फोर्थ पॉइंट, ठीक है, सिर्फ एक कोड मत पढ़ो, बहुत सारे कोड पढ़ो. रीड कोड, रीड लॉट्स ऑफ कोड. काफ़ी सारे यूजर्स हैं स्टैक ओवरफ्लो में, काफ़ी सारे चीज़ों के सोल्यूशंस हैं. आपको वेराइटी ऑफ सोल्यूशंस मिलेंगे फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. स्टैक ओवरफ्लो है और गिट हब पे भी हर कई जगह उन्होंने सोल्यूशंस बता रखे होते हैं. तो ट्राई टू रीड लॉट्स ऑफ कोड, जिससे आपको आइडिया लगे कि वे कैन यू गो रॉन्ग. ट्राई टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चन टू योरसेल्फ, जैसे हाउ वुड आई हैव रिटन दैट कोड, दैट पीस ऑफ कोड, ठीक है. हम उसके अंदर डिफरेंट क्या कर सकते हैं, तो वॉट वुड यू डू डिफरेंटली जब आपने एक सोल्यूशन देख लिया है, आपने क्या पढ़ा था, एंड हाउ कैन यू अप्लाई योर टेक्निक्स टू द कोड दैट यू रोट इन द पास्ट, ठीक है. तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप अपने कोड को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, है ना. और एक कोड को, है ना, एक ऑथर की स्टाइल में लिखा करो. थिंक योरसेल्फ एज एन ऑथर, कि अगर आप एक ऑथर होते तो आप कैसे प्रेजेंट करना चाहते अपने स्टूडेंट्स को या अपनी कलीग्स को, आप अपना कोड कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं. तो उस वे में अपना कोड लिखा करो कि सिर्फ खुद को नहीं, सामने वाले को भी अच्छा लगे दैट ही इज रीडिंग अ वेरी गुड कोड, ठीक है. प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है. क्योंकि अगर आप कोड अपना रीडेबल बनाओगे, देन अ लॉट ऑफ गाइज, अ लॉट ऑफ कलीग्स आर गोना फॉलो यू, ठीक है. एक छोटी सी वार्निंग है इस चीज़ के अंदर कि रीडिंग लॉट्स ऑफ कोड वोंट मेक यू अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है. एक ग्रेट प्रोग्रामर आप नहीं बन सकते बहुत सारा कोड पढ़ने से. बिकॉज काफ़ी लोग क्या करते हैं, दे उनको ना सोल्यूशंस मिल जाते हैं नेट से. आपको जैसे कोई सोल्यूशन मिला नेट से, तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू कॉपी एंड पेस्ट इट, है ना. जो भी सोल्यूशन हमारे को, है ना, उसके आसपास दिखता है कि फॉर एग्जांपल हमारी प्रॉब्लम एक्स है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा कोड सोल्यूशन देखते हैं जो मेरे को एक्स के नियर अबाउट मिल जाए, ठीक है. हम ये ढूंढते हैं कि मेरी को कोई ऐसा स्निपेट मिल जाए जो मेरी एक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर दे. बट हम उसके अंदर ना थोड़ा डीप जाके नहीं देखते हैं, हम सिर्फ सिमिलर प्रॉब्लम का सिमिलर सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है. आप उस चीज़ को टाइम नहीं देते अंडरस्टैंड करने का, तो दिस इज़ अ वेरी बैड प्रोग्रामर. इंस्टेड यू आर गोना बी अ वर्स प्रोग्रामर अगर आप ये कॉपी एंड पेस्ट वाली चीज़ करोगे. एंड यू, तो हमेशा जो कोड आप देख रहे हो, रेफरेंस ले रहे हो, जहाँ से भी आप कोड पढ़ रहे हो, हमेशा समझो कि व्हाट द कोड इज एग्जैक्टली डूइंग, ठीक है. फिफ्थ टिप, अपने पीयर्स के साथ कनेक्ट करो, ठीक है. वन ऑन वन करो डेवलपर्स के साथ, ठीक है. वर्क वन ऑन वन विद डेवलपर्स एनी वे यू कैन, ठीक है. जैसे भी आप करो, आप लोगों को सुनो, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करो कि व्हाट आर दी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, क्या क्या सोल्यूशन, क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास. जैसे फॉर एग्जांपल, एक वे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कभी एक तरीका नहीं होता, देर आर मल्टीपल वेज, ठीक है. एक चार्ट बनाओ, ठीक है. जैसे ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, एंड ट्राई टू राइट वर्क इन प्रोग्रेस. और ये सब चीज़ें ऐसे नोट डाउन किया करो कि क्या क्या अचीव कर लिया, क्या क्या वर्क इन प्रोग्रेस है, एंड किस में कितना टाइम लग रहा है, किस में कितने हॉप्स लग रहे हैं. इससे आपको पता लगेगा कि कौन सा भी एफिशिएंट है. एंड हमेशा ट्राई करो कि रिसेंटली किस टीम ने या फिर किसने कोई सोल्यूशन प्रपोज किया, उससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा. लोगों की रिसर्चेस पढ़ो फॉर द सोल्यूशन, ठीक है. तो पेयर प्रोग्रामिंग करो, है ना. हैकाथॉन जाओ, प्रोग्रामिंग यूजर ग्रुप होते हैं गिटहब पे मिल जाएंगे, या फिर जहाँ पे भी यूजर ग्रुप्स होते हैं उधर जाके ओपन सोर्स करो. ध्यान रखना, व्हेनेवर यू ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, हमेशा उनके फीडबैक पे अटेंशन दिया करो. क्योंकि यूजर्स क्या होते हैं, दे ट्राई टू फाइंड डिफेक्ट्स इन योर कोड, है ना. और
बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जो आपको फीडबैक देते हैं, तो हमेशा उनके फीडबैक ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फीडबैक पे हमेशा ध्यान दिया करो. फीडबैक से आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स एज वेल एज सामने वाले की प्रोग्रामिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं. फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 6 पॉइंट इज अ बिट कॉमन. टेक्निक्स को लर्न करो, टूल्स नहीं, टेक्निक्स को लर्न करो. ठीक है, फोकस ऑन दी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, बिकॉज पता है किसी भी चीज़ के बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते हैं, बेसिक्स हमेशा सेम ही रहते हैं. और फंडामेंटल्स पे काम करोगे यू कैन बी स्ट्रॉन्ग इन इट. और प्रोग्रामिंग से ज़्यादा ना आर्किटेक्चर पे फोकस किया करो, बिकॉज आर्किटेक्चर ही आपको पूरा रोड मैप आपके सोल्यूशन का जो भी प्रॉब्लम आपका है उसके अंदर हेल्प करेगा. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. हमेशा रीडेबिलिटी पे ध्यान दो. एंड यही सारे पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहता था. दीज आर सम फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला, आई एम गोना रिपीट माय पॉइंट्स अगेन. हमेशा क्या करो, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. कभी बुरा एटीट्यूड मत रखो. ठीक है, स्टॉप ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ राइट. ठीक है, खुद को सही मत प्रूव किया करो. ट्राई टू फाइंड सम प्लेसेस वेयर यू कैन गो रॉन्ग. ठीक है, कोड को 3-3 बार लिखा करो जिससे आपको असर्टेन हो जाएगी या यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. बहुत सारे कोड को पढ़ा करो, रीड लॉट्स ऑफ कोड. ठीक है, और ये क्वेश्चन किया करो खुद से कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर कोड एंड अदर थिंग्स. ठीक है, वर्क ऑन वन ऑन वन विथ अदर डेवलपर्स. पीयर प्रोग्रामिंग करो. और ओपन सोर्स में अगर आप काम करते हो तो पे अटेंशन ऑन द फीडबैक्स. टेक्निक्स को लर्न करो. ट्राई टू वर्क ऑन लर्निंग आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर कैसे इंपॉर्टेंट होता है रादर देन वर्किंग ऑन प्रोग्रामिंग, बिकॉज आई गेस अगर आप ये कोडिंग कर रहे हो तो आपको प्रोग्रामिंग तो अच्छे से आती है, बट यू डोंट नो कि आर्किटेक्चर कैसे पढ़ते हैं. एंड ये सब चीज़ों पे ध्यान दो. ठीक है, ट्रस्ट मी, दीज आर दी मोस्ट ब्यूटिफुल टिप्स दैट समवन कैन गिव यू. बहुत अच्छी टिप्स हैं, इन सबको फॉलो करोगे यू गोना गेट अ वेरी गुड जॉब. एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू गाइज़.